अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पैरेट बडीज़ में वेलकम करता हूँ। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो सीट क्लीनिंग के हवाले से है, और सीट क्लीनिंग की मशीन जो है वो मुझे फाइनली खैर मिल गई है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा कोई इससे सेटिस्फाई हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं लगा जिस तरह होना चाहिए था। खैर बहरहाल, ये मशीन जो है मुझे मिली थी यहाँ उस्मान बर्ड्स केसे के नाम से, जिसका जिनका चैनल है उस्मान भाई से ही मैंने बाय किए। खैर ये मशीन मुझे काफ़ी महंगी पड़ गई, क्योंकि रिज़ल्ट इसका इतना अच्छा है नहीं, और सेकंड ये है कि जो ये जिस लकड़ी की बनी हुई है, लकड़ी नहीं है ये आप लोग देख सकते हैं, ब्रादर टाइप का जो होता है ये चेक करें, इस तरह की ये लकड़ी की बनी हुई है, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा मज़बूत भी नहीं है और रिज़ल्ट भी इतना अच्छा नहीं है। खैर फाइनली मैंने यहाँ जाली लगा ली है, यहाँ से ये ओपन थी, फिर यहाँ पे जाली लगाई है और ये सारा इस पर कवर था, ये उतार दिया है उस्मान भाई ने, क्योंकि ये नई मशीन ही थी, उन्होंने ख़ुद भी चेक नहीं करी। खैर उनको इसलिए ख़ुद भी आइडिया नहीं है कि इसका रिज़ल्ट कैसा था या क्या था। खैर फाइनली इसको वीडियो बना के मैंने सोचा कि एक दफ़ा आप लोगों को दिखा दूँ कि इसके क्या रिज़ल्ट है। ये सीट रॉड है और ये इसके साथ आया था, ये ड्रॉस निकालते हैं बाहर, ये ऊपर लगाने के लिए यहाँ पर, ताकि दाना जो है इसके अंदर से हम लोग डालेंगे और इसको साफ करेंगे। तो खैर चेक करते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये मेरे पास कुछ वेस्ट दाना यहाँ पर मौजूद है, ये चेक करें, ये देख रहे हैं इसमें बहुत कचरा भी है, ये सारा खाया हुआ दाना है, ठीक है, तो इसको हम लोग चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो चलिए मशीन को स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है, आप लोगों से शेयर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलें दोस्तों स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं इसका क्या रिज़ल्ट है। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ वायर लगा के, और इसको मैं बिल्कुल फुल स्पीड में चला रहा हूँ। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इस तरीके से इसका फ़ैन लगा है और ये इसका डिमर लगा हुआ है, मैं देखें फ़ैन चलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, मैं इसको बिल्कुल फुल स्पीड पर चलाऊंगा, तो उसके फुल स्पीड पर हम लोग देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। सही है, ये पोजीशन में आ गई, मशीन ऑन करते हैं। फैन इसका स्टार्ट हो चुका है, दिख रहा है आप लोगों को, दाना एक तरफ जा रहा है, कचरा एक तरफ जा रहा है, और जाली लगाने का ये फ़ायदा हुआ है कि इससे दाना हमारा बाहर नहीं आता, ठीक है, तो अभी देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया। काफ़ी हद तक साफ तो हुआ है, ये चेक करें, ठीक है, ऐसा ही दिखता तो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ये देखिए, लेकिन अभी भी इसमें आप लोग कचरा नज़र आ रहा है, अच्छा खासा कचरा नज़र आ रहा है, ठीक है,
और ये देखें यहाँ पर भी अभी बहुत कचरा कम आया है। तो मैंने जो चेक किया है इसको, तो मेरा 2 से 3 राउंड में जाके जो क्लियर आ रहा है कचरा, वो थोड़ा सा बेस्ट रिजल्ट आया है जो मैंने इसको चेक किया है। तो ये चेक करें, अभी आपको दूसरा राउंड लगवा के दिखाता हूँ, फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ कि क्या आया है। जी भाई, तो खैर रिजल्ट ये आ चुका है आपके सामने, ठीक है, ये रहा रिजल्ट। ये देखें, खैर 3 राउंड लगने के बाद रिजल्ट काफ़ी बेहतर है, लेकिन 3 राउंड लगाने पड़ रहे हैं इसमें, लेकिन काम निकल रहा है। लेकिन फिर भी खैर मैं इतना सेटिस्फाई नहीं हुआ इस मशीन से, तो मैंने अभी जो है वो नई मशीन का जो है वो ऑर्डर दिया है और उसको हम खुद जाके बनवाएंगे, और वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, ऑलमोस्ट वो रेडी हो चुकी है। तो जब वो तैयार हो जाएगी और हम वहाँ से ले आएंगे, तो फिर इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बनाएंगे। और वो माशाल्लाह लकड़ी भी अच्छी है और उसको भी कैलकुलेशन से बनाया गया है, तो देखते हैं फाइनली उसमें सिर्फ फ़ैन लगना बाकी है, उसका क्या रिज़ल्ट आता है, तो वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि इससे भी मेरा काम चल जाएगा। ये दूसरी ड्रॉस, इसमें ये रहा सारा कचरा, ये देखें कारपेट मेरा सारा गंदा हो चुका है, इस पर भी मुझे वैक्यूम चलाना पड़ेगा बाद में, लेकिन खैर वीडियो के लिए इतना चलता है। ये देखें पूरा कचरा इसने अलग कर दिया और दाना इसने अलग कर दिया, तो खैर काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये जितने भी बर्ड फैंसियर हैं, खैर एटलीस्ट उनके पास ये होनी चाहिए लाजमी मशीन, ठीक है। तो खैर ये हमारे पास दाना भी और रखा हुआ है, ये मैं पूरा साफ़ करना है। तो गाइस इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और जो जो मेरे चैनल पर नया है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं लगती है कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो इंशाल्लाह खैर नई नई वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।